सुने, कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं तो तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पेज क्यों नहीं ऐड हो रहा? देखो स्क्रीन दिख रही है, ठीक यस मैम। है बेटे। सबसे पहले बहुत क्लियर सी चीज है कि जब नीट का पेपर निकलता है तो सब बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, बच्चे पहले भर देते हैं, ठीक है। जो ड्रॉपर्स है ना, वो वेट कर रहे हैं इस दिन का कि पेपर निकले और वो भरे और वो पेपर दे और वो खत्म होए। तो तुम समझ रहे हो कि बहुत सारे, और मैं बहुत सारे से मेरा मतलब है लैक्स में बच्चे पेपर भर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो अगर आप डिले करते हो, उसका लॉस ये होता है कि जब आप पेपर भरने जाओगे ना, आपको ऑप्शन आएगा आपका सेंटर, सेंटर में आएगा हिमाचल, ठीक है। तो आप हिमाचल पे क्लिक करोगे, लेकिन हिमाचल बहुत बड़ा है। तो बेटा अगर तू देर से पढ़ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल हर्ष, अगर बेटा तू देर से पेपर भर रहा है और तू रहता है शिमला में, तो चाहता तो यही है ना मुझे शिमला सेंटर पढ़े। लेकिन अगर शिमला में 100 जगह थी स्टूडेंट्स को पेपर देने के लिए स्कूल में, और 100 ने पहले भर दिया है पेपर, तो बेटा तेरा 101 नंबर है, तुझे शिमला नहीं मिलेगा। अब तेरे को किसी और जगह ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। उस दिन बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, यू नेवर नो। लास्ट टाइम पे हिमाचल की साइड पे तूफान सा चल रहा था, बारिश वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा बुरा हाल था एक दिन पहले। तो बच्चों के पेरेंट्स को छुट्टी लेके जाना पड़ा, मदर वगैरह भी साथ में जा नहीं पाई। तो फादर्स, सबके फादर्स ने सोचो रात रात में छुट्टी ली, नेक्स्ट डे वो बच्चों को लेके गए। अब जिनका सेंटर दूर था, उनको क्या होता है, रहने के लिए भी अरेंज करना पड़ता है वहां पर, राइट। कि वहां पे वो रहने का अरेंज करते हैं, खाना अरेंज करते हैं, आपको एक दिन पहले लेके जाते हैं। अगर आपका पेपर सुबह सुबह पड़ गया तो तुम फंस गए, तो पैर को पड़ गया तो फिर भी ठीक है, सुबह तो फिर फंस गए। तो अगर देर से भरते हो तो उसका नुकसान ये होता है कि आप हिमाचल भरोगे तो पूरा हिमाचल खुल जाता है, फिर आप सेकंड प्रेफरेंस पंजाब भरोगे। एक बच्चे का सेंटर हम्बाला आया था, हमें आज तक समझ नहीं आया कि उसका हरियाणा सेंटर कहाँ से पड़ गया। उसकी प्रेफरेंस तो अम्बाला बहुत दूर की होगी ना, उसका कैसे बढ़ गया, क्योंकि सारी सीट्स बुक हो चुकी थी। तो उसको डिले मत करो, क्योंकि आपका बोर्ड है, आपका चाहे फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, एक दिन पहले तो सबको डर लगता है ना। दूसरी चीज, जब पेपर भरने जाओगे ना, आपको 3 आवर्स लग जाएंगे, मैं बता रही हूँ यार अपने एक्सपीरियंस से। टाइम वेस्ट होता है फालतू में इसमें। डॉक्यूमेंट अपडेट, अगर वेबसाइट उस दिन स्लो है तो तू क्या ही कर लेगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड में टाइम लगेगा तो लगेगा ना सूर्यांश, उसमें कुछ नहीं कर सकता, वेट करना पड़ेगा। तो आप 3 आवर्स लेकर चलो कि आपको टाइम लगेगा। सेकेंडली, आप में से कोई से मोबाइल से मत भरना, प्लीज यूज लैपटॉप या फिर आप कैफे जाइए, ठीक है। और अगर आपके पास इसका भी कोई, इनमें से कोई भी जुगाड़ नहीं है, जेन कॉन्टेक्ट अस, हमसे कॉन्टेक्ट करो। आप कॉमन मैम को कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर दो, मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, हिमांशु सर को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर कि आप हमें टाइमली बता दो, ताकि हम आपका फॉर्म फिल कराए। अब ऐसा नहीं है ना बेटा, तो मुझे एक दिन पहले बोले मेरा फॉर्म फिल होना है और मैं एक दिन पहले अवेलेबल नहीं हूँ तो फंस जाएंगे, राइट। तो कोई भी उसको फोन से नहीं भरेगा, फोन से वेबसाइट प्रॉब्लम देती है, आपको इसको ऐसे ही भरना है लैपटॉप से, बड़ी स्क्रीन से। और जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, तो अपना नोटिफिकेशन भरो कि आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए। एलिजिबल हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल में फोटो चाहिए होती है, यदि छोटी सी बात है कि फोटो में कान दिखने चाहिए, देख लो तुम, अब तुम्हारी फोटो में कान एक्चुअल में दिखने चाहिए, ऐसा नहीं हो ना किसी ने बाल पूरे खोल के पूरा मुंह ढक के फोटो खिंचवाई हुई है। बहुत छोटी चीजें हैं। नीट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नीट यार, यहाँ पे रिजेक्शन हो जाती है और वो एक्सप्लेन नहीं करते रिजेक्ट क्यों किया उन्होंने किसी का। तो आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़नी है। अब मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने देखी थी, शिवानी नाम से यस देखी थी ना। तो बेटा उनकी वीडियो देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके, और एक बार देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें उन्होंने फॉर्म भरा है, वन ऑफ द स्टूडेंट का ही फॉर्म भरा है बंदी का, उसे देख लो, आपको पता चल जाए कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि आप लोग वो सब चीजें अरेंज करके चले जाओ। प्लीज डोंट वेट फॉर लेटर का टाइम, क्योंकि हर किसी बच्चे ने, जितने स्कूल के बच्चे हैं ना, जो तुमने सोचा है ना, वो उन सब ने भी बैठ के सोचा है कि अगले लास्ट हफ्ते में जाएंगे। अब तुम देख लो वेबसाइट पे कितना लोड पड़ जाएगा ना, अगर सबके सब लास्ट हफ्ते में जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। सो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी कि जाके इसी हफ्ते निपटा लो, ये 18 तक निपटा लो, 14 तो होगी, चलो 15 16 17 18 संडे आ रहा है, अपना फॉर्म भर के निपटा लो। लास्ट वीक में मत जाना, बहुत परेशान हो गए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और जिसको फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, लेट अस नो, हमें कॉल कर दो, मैसेज कर दो, नहीं तो फॉर्म भरने जाने से पहले ना एक बार बता दिया करो फॉर्म भरने जा रहे, ताकि अपने को भी नॉलेज हो कि आज राजकुमारी फॉर्म भरने गई है, भाई इसको प्रॉब्लम आ सकती है ना। और जिसका फॉर्म हो जाए वो बता देना, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी बता देना। आप लोगों का 17 के बाद क्लासेस डिसमिस है, पता है आपको, यस मैम। 17 के बाद क्लासेस डिसमिस है। इसका मतलब है हमें ऑफिस के वर्क से जाना है, तो हम लोग ऑफिस के वर्क से एक वीक के लिए बाहर रहेंगे, तो आपको कोई टीचर अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद आप जिस टाइम एग्जाम दोगे, उस टाइम पे कुछ टीचर्स को वेकेशन मिलेगा, देखो
जिनका वेकेशन पेंडिंग है, तो तुम्हारे पास कोई टीचर अवेलेबल होगा नहीं, तब आपके पास सिर्फ कोमल मैम होगी या आलम सर होगी। आप खुद सोचो आप कितने सारे बच्चे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर लास्ट वीक में वेट करोगे तो आपकी मदद कैसे करेंगे हम, अगर हमारा ही फोन नहीं लग रहा होगा। अब तोमर सर अपने गांव जाएंगे तो फोन थोड़ी लगेगा उनका, अब तुम वो तुमसे कैसे तुम्हारी क्वेरी फुलफिल करेंगे कि तुम 17 साल की एज में आ रहे हो या 16 साल की। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो प्रॉब्लम दे देती है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म अभी निपटा लो 18 तक और फ्री हो जाओ। नहीं तो आपको तो प्रॉब्लम होती है, आपके घर वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब तूफान लास्ट टाइम जब तूफान चला था ना हिमाचल में, बहुत परेशान हुए थे घर वाले, तो फिर उन्होंने मेरे को अभी भी याद है एक मैम का फोन आया था, वो पेपर नहीं दिलवा रहे थे बच्चे को कि हम कैसे दिलवाए इसको पेपर, इसके पापा को छुट्टी तो मिलेगी नहीं इतने शॉर्ट नोटिस पे। फिर फाइनली उनको मिली और मेरे को अभी भी याद है वो सुबह 4 बजे निकले थे, क्योंकि उनका सेंटर बहुत दूर था, मुझे अब जगहों के नाम तो याद नहीं है हिमाचल में सारे, उनका सेंटर बहुत दूर पड़ गया था, वही लेट भरा है फॉर्म तो सेंटर कहीं भी पड़ जाता है। वो सुबह 4 बजे बेचारे निकले थे, पेपर उनकी बेटी का दोपहर में था, सोच रहे तो बस 4 बजे बिना बात के निकले, अब वहां जाके दोपहर को पेपर दिलाएंगे फिर उसको वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हर बंदा फोर्ड थोड़ी कर सकता है बाहर जाके रहना, कितना हेक्टिक सा होगा। और उसमें सबसे ज्यादा हेक्टिक तुम्हारे लिए तो हुआ क्योंकि तुमने तो पेपर देना था, तुम तो हुए, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ज्यादा हेक्टिक होते हो, वो परेशान होते हो तुमने खाना खाया है तेरा फोकस बना या नहीं। तो पेपर के दिन में ना स्ट्रगल नहीं चाहिए होता, पेपर के दिन वैसे ही स्ट्रगल वाला होता है। सो मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म जल्दी भरो ताकि ये फालतू की प्रॉब्लम से बच जाओ। ये आती है, अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, आपको पता चलेगा जल्दी फॉर्म भरना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसने लेट पढ़ा है कभी उससे पूछना उसके साथ क्या दुख हुए नहीं, तो प्लीज फिल योर फॉर्म अर्ली। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है फील फ्री टू मैसेज, अगर तुम भरने जा रहे हो गिव मी अ कॉल, फॉर्म भरने जा रहे हो ताकि मैं भी एक्टिव रहूं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से देख ले, मेरे पास सिस्टम है मैं देख सकती हूँ उस टाइम पे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, 17 के बाद 18 के बाद भरोगे तो यार फिर अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर वो उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। ओके यस मैम, कोई बात नहीं, फ्री में मदद कर रहा है तो ले लो ना यार मदद, राइट। कैफे वालों को भी उतना ही पता होगा ना, चित्ता उसके सामने डिस्कस करोगे, नीट का स्पेशलिटी तो है नहीं उनकी, शायद किसी के वहां पे हो, हर किसी के तो होगी नहीं। सो बी वेरी स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड फिल अप योर फॉर्म एज क्विक एज पॉसिबल। और ऐसा कोई बच्चा मत करना इंटेंशनली नीट का पेपर नहीं दे रहे, प्लीज अगर आप ड्रॉप भी सोच रहे हो तो इस बार नीट का पेपर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर किसी का ड्रॉप भी है तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती, आपकी पढ़ाई है आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, राइट। लेकिन इस बार पेपर जरूर दे लेना फॉर द एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। ओके जी, ये भी चलो आज एक टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में ना एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। ठीक है, तो आपका मैंने देखा था टेस्ट वगैरह, तो ये टॉपिक वीक लगा मुझे, तो मैं एक ये टॉपिक कराना चाहती हूँ, कल मैं फिर बाकी का इवोल्यूशन आपको करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है बेटा, एक सेकेंड। अभी तक किसी ने भरा नीट का फॉर्म ऐसे? मैंने इतना लेक्चर तो दे दिए, पूछा तो था नहीं मैंने, किसी ने भरा? यस मैम। किसने भरा नाम? प्रीति, प्रीति भर लिया आपने पूरा? मैम अभी ना थोड़ी साइट बिजी चल रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है भरने के लिए। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? यस मैम। फोन से भरा या फिर लैपटॉप से? मैम लैपटॉप से भरवाया, शॉप में गए थे ना वो भरवाया किसी और से। अब स्लो आ रही है साइट? यस मैम। साइट का यही है यार, कभी भी फास्ट कभी भी स्लो हो जाएगी, डिपेंड करता है आज कितने लोगों ने सोचा फॉर्म भरने के लिए, इसलिए जनरली वर्किंग डे पे जाते तो सही रहता है। अब कब जाएगी बाकी का फॉर्म करने? मैम कल जाऊंगी अब। ठीक है, मैं तो फोन कर दूं कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है मुझे पहले बता दो कि जा रही है फॉर्म। ठीक है, शुरू आपने भरा बेटा? सात्विक, सुरांश। मैम रजिस्टर तो कर सकते हैं ना फोन? कल भरना है। हाँ, फोन से रजिस्टर कर सकते हैं। भलिया परसों ही। भलिया सात्विक? नो मैम, कल या परसों भरना है, वो पेरेंट्स घर पे नहीं होते ना तो। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, उनके साथ चला जाइए। ओके डन है, भर लेगा सुरांश। कशिश भरती है मैम? भरती है सुरांश। ठीक है, गुड, वेरी गुड। स्वाति, शिवांशी, सुरु, सानू, कांक्षा, बेटा तूने भरा? राजकुमारी, तूने? मैम रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर करा है, ओके। राजकुमारी तुमने भरा? नो मैम, मैम वो मेरा एज का इशू है ना, तो मेरा नहीं भरा जाएगा इस ईयर। कितनी एज है?
मैम मैं 16 ईयर की हुई अभी। अभी 16 की हुई है। यस मैम जनवरी। ओके ठीक है चलो ठीक है। ओके बेटा ऑलराइट चलो नेक्स्ट चलते आगे। तो एक्वायर इम्यूनिटी का टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता ही है ऑब्जेक्टिव, सिंपली मैंने आपको बी सेल से रिलेटेड बात बतानी है, ठीक है। उसी में टी सेल का पार्ट भी कवर हो जाएगा, एक्वायर इम्यूनिटी का, एनसीईआरटी का डायग्राम भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार एरर आ रहा था तो मैं इसको एक बार करवाना चाहती हूँ। वेटेज की बात करूँ तो यार 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो इसमें से बनता है, तुम्हारे यार जो तुम्हारा भी पेपर होना है ना उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में ना कहीं एंटीबॉडी आएगा, तो इस वजह से इसको थ्योरी और डायग्राम को हम एक बार निपटा लेते हैं, फिर कल से हम अपना इवोल्यूशन वाला पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। अब तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना आपकी? यो मैम। हाँ ठीक है डन, तो एक्स्ट्रा क्लास है तो फिर तो अपना आराम से इवोल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा। हम ये वाला पार्ट करें, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी अगर देखोगे ना तुम तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा दिया नहीं है एनसीईआरटी के अंदर भी, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको पी वाई क्यू मिल जाएंगे, राइट। तो क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन वाला पार्ट ही ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी से बाहर चला जाता है, डीट थोड़ा थोड़ा टर्म्स उसने पकड़ी होती है एनसीईआरटी से, उससे बाहर की तरफ खिसक लेता है, तो इसलिए हम इसको एक बार साथ में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो मेरे को फटाफट से एक बार रिकॉल कराना कि आपको कितना इम्यूनिटी याद है, राइट। तो मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ, यू हैव 2 मिनट्स, सो फटाफट से कॉपी उठाओ एंड मेक अ फ्लो चार्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमिनेट इम्यूनिटी। अगर आपको याद है हम करते थे इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, उसमें से एक था इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू इनेट एंड एक्वायर्ड। तो जो इनेट इम्यूनिटी थी ना तब हमने उसका चार्ट बनाया था ना फ्लो चार्ट, तो इनेट इम्यूनिटी को भी आगे हमने डिवाइड करा था, तो वो वाला चार्ट आपको कंप्लीट करना है सिर्फ इनेट इम्यूनिटी वाला, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है ह्यूमन में कब से, सो आंसर मी इन द वन। You have 2 minutes, your time starts now. अच्छा फंस तो नहीं गया? नहीं। तुमको जितना याद है, फिर अगर याद नहीं है ना तो कोशिश करके देखो कुछ तो याद आएगा, ऐसे नहीं हो सकता 0 पे जाओ। Last 30 seconds. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, खो गए। मम्मी याद है। गुड, Last 10 seconds. ओके स्टॉप। हाँ जी, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस द टाइम ऑफ सूर्यांश बर्थ। बर्थ, जब आप पैदा हुए थे तब से आप सबकी के पास इनेट इम्यूनिटी है। राजकुमारी फ्लो चार्ट बताओ अगर मैं इनेट इम्यूनिटी का, तो इनेट इम्यूनिटी को किस किस में डिवाइड करूंगी बेटा? मैम इनेट इम्यूनिटी फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइटोकिन बैरियर्स एंड सेलुलर बैरियर्स। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। गुड, अगर आप लोगों ने यही बनाया तो सही है, अगर नहीं बनाया तो आपका इनहेरिट इम्यूनिटी थोड़ा सा निकल लिया है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, तो दिस इज अ टाइम फॉर वर्थ, चलो आगे बढ़े। यू हैव 45 सेकेंड्स, ठीक है। ट्राई टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम एंड राइट डाउन आपने इसमें क्या देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइन तो राइट इट डाउन इन योर कॉपी, आपने इसमें क्या देखा। लेक्चर के एंड के बाद ना हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है।
तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, आप खुद देखना इम्प्रूव होता है या नहीं, मुझे यार खुद बताना। ऑब्जर्व दिस डायग्राम, क्या क्या दिख रहा है, नोट इट डाउन। ओके डन, चलो आगे चलते हैं। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 30 सेकेंड्स, राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ बेटा, ओके कोलेस्ट्रॉम जो येलोइश फ्लूड होता है मदर के मिल्क से निकलता है, दैट कंसिस्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ए। जिनको ये नहीं आता था, आज लास्ट लेक्चर तक आपका खत्म होने तक क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें। यो यो मैम, देख बेटा, एक्वायर का मतलब, अरे एक्वायर का मतलब हम ग्रहण करना, ग्रहण करना, और तो स्ट्रॉन्ग हिंदी होगी। एक्वायर मतलब टू गेन, कह सकते हो किसी चीज को ग्रैंड करना या टू गेन करना, किसी भी चीज को गेन करना, दैट इज एक्वायर। एंड इम्यूनिटी मतलब सो के नहीं होगा यार, सो के तो बहुत टाइम लग जाएगा, रिवीजन है ये। इम्यूनिटी मतलब सहन शक्ति, सहन शक्ति, डिफेंस। हाँ, डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज नोन एज इम्यूनिटी, राइट। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म हम खुद अचीव करते हैं उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे अगर इंडिया की बॉर्डर को हमने प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास कौन कौन होगा, कौन मदद करता है इसमें, बीएसएफ, बीएसएफ और नेवी भी तो मदद करती है ना, डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज है इंडिया की जो मदद करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से। पैथोजन इज समथिंग जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे हम बोल देते हैं कि एक तो है फौजी हो गए जो सरहद पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक नेवी होती है, पानी में आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, नहीं तो वाटर से भी कोई अटैक कर सकता है, राइट। सो उसी तरीके से जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है एक्वायर्ड वाला, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वन इज नोन एज मेड अप ऑफ और दूसरे टी सेल्स, टी सेल्स। अब तुमने पिक्चरें तो देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा ना कि जो लीडर होता है, जैसे कहीं फाइट हो रही होती है तो कहीं कहीं में आप देखोगे लीडर खुद जाके फाइट करता है। कुछ मूवीज में आपने ये भी देखा होगा कि जो लीडर होता है वो आगे और अपने ग्रुप वालों को भेजता है, फिर वो आगे जाके फाइट करते हैं, अपनी प्रजा को भेज दिया आगे, जैसे किसी राजा ने देखा होगा। यस मैम, है ना। तो आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें जो सेल खुद ही जाके आगे फाइट करते हैं, दोज आर नोन एज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये एक टाइप का इम्यून सिस्टम है जो बनाते हैं। तो कौन होते हैं जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं, टी सेल, शाबाश। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आपको मिलता है टी सेल से, किसके सेल खुद ही जाके लड़ाई करते हैं। लेकिन वो सेल जो आगे स्पेशल केमिकल बनाते हैं जो जिसने आगे जाके फाइट करना है, वो सेल्स होते हैं हमारे बी सेल्स। तो बी सेल्स क्या करते हैं, आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब देखो, आपकी बॉडी में अगर किसी भी चीज को ट्रेवल करना है तो ट्रेवल के लिए कौन सा लिक्विड मीडियम है आपकी बॉडी में सबसे बढ़िया, जो हर जगह जाता है, ब्लड, ब्लड, राइट। तो वो वाला इम्यून सिस्टम जो ब्लड जो क्या करता है, जिसमें सेल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पर उससे बना हुआ केमिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी को सिक्रीट कर देते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूमरल, और दे प्रोटेक्शन रे तो इम्यून
और मिलके काम कर रहे हैं तो सिस्टम, तो दिस इज नॉन एज ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। तो बी सेल्स फॉर्म ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ये नीट का क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल पर डायरेक्ट आता है कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जनरली ये पूछते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है अब आपको? यस मैम। आगे बढ़ू? यो यो मैम। ठीक है बेटा, अगर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मैं इसमें बी सेल पे फोकस करना चाहती हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ बी सेल, तो किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी सेल? बी स्टैंड्स फॉर व्हाट? बी का मतलब, भाई मैं राजकुमारी बोल रही हूँ ना, मैं आर नाम की लड़की तो नहीं बोल रही, पूरा नाम बोल रही हूँ, तो उसको बी क्यों बुला रहे बजा रहे हो? नहीं पता? ठीक है, साइट ऑफ मैच्योरेशन। साइट ऑफ मैच्योरेशन, यस। ये जो इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी में, कहीं बनते हैं और कहीं मैच्योर होते हैं। तो बेटा मेरे को बता, फॉर्मेशन कहाँ होती है, बर्थ कहाँ होती है? बोन मैरो में। हाँ, बी सेल्स की और लेट्स से टी सेल्स की, दोनों लिख लेती हूँ मैं। तो बी सेल कहाँ पैदा होते हैं बोन मैरो और टी सेल्स? बोन मैरो बेटा बोन मैरो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये नीट का, जो गलत बोला अभी तूने है। और इनकी मैच्योरेशन कहाँ होती है? थोड़ा बोन मैरो में थी बी। बी सेल की बोन मैरो में होती है और टी सेल की थाइमस। थाइमस, थाइमस के अंदर होती है। ठीक है, करेक्ट। थाइमस कहाँ होता है? आपके चेस्ट रीजन में पड़ा होता है। ये जो आपका कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बेटा, थायरोक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड करता है। ले थाइमोसिन जो आपके टी सेल की मैच्यूरेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, हमने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बी सेल में बी स्टैंड्स फॉर साइट ऑफ मैच्योरेशन व्हिच इज बोन मैरो, तो बी स्टैंड फॉर बोन मैरो। दैट मीन टी सेल में टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। थाइमस जहां पर वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, बर्थ की साइड नहीं, मैच्योरेशन की साइड है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है फोमक का, इजी लग रहा है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है थाइमस और बोन मैरो में। मैं बार बार बोन मैरो बोल रही हूँ, बोन मैरो होती कहाँ है? कहाँ होती है बोन मैरो? अंदर का जो बोन के अंदर, बोन के अंदर वाला पार्ट। बोन के अंदर वाला कौन सी साइड का पार्ट? सेंटर में, कॉर्नर पे? सेंटर बेटा जी, कॉर्नर पे। देखो जो बोन्स होती है ना, जो बोन का सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम बुलाते हैं डायफाइसिस। देखो डायफाइसिस, इसके अंदर भी बोन मैरो होती है लेकिन रेड बोन मैरो नहीं होती। टेक्निकली मैं बोलू ना तो रेड बोन मैरो इज द साइट जहां पर इनकी मैच्यूरेशन मेनली होती है। तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं इसको हम बुलाते हैं, ये कॉर्नर जो सूजा हुआ है, दिस इज एन एपिफाइसिस, जो जॉइंट्स बनाने का काम आता है। तो इन एपिफाइसिस अगर मैं इस बोन को काटू तो अंदर स्पॉन्जी स्पॉन्जी मटीरियल है। दिस इज द पॉइंट जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे आपके बी सेल और टी सेल का जन्म होता है, प्लस बी सेल की मैच्यूरेशन भी होती है। क्लियर? यो यो मैम। आगे चलते हैं। ये आपके बी सेल्स है, तो बी सेल्स इज नथिंग लाइक अ नॉर्मल सेल, कलर नहीं होता इनका, हमने स्टेन करा है। एक ही न्यूक्लियस के होते हैं ये, यूनिन्यूक्लिएट। केमिकल बनाते हैं आगे जिसको हम बुलाते हैं एंटीबॉडी। तो ये आपको स्टेन करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई केमिकल का रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वॉलेंटियर दे दो, कोई वॉलेंटियरिंग करना चाहेगा? हर्ष, हर्ष तेरा तो छोटा भाई है, राइट? भाई है ना तेरा छोटा? यस मैम। क्या नाम है बेटा उसका? आर्यन। आर्यन, अरे कितना प्यारा नाम है बेटा। तो एक बात बता, जैसे मान ले सर्दियां हैं, वैसे मान ले मतलब, तो कोई ऐसे मान के भी घबराहट होगी, लेकिन फिर भी मान ले कि 6-7 करोड़ सालों में तू पहली बार नहाया और नहाने में इतना एक्साइटेड था कि तू नंगे पैर चप्पल नहीं पहनी और गलती से तू स्विच दबा रहा था और तेरे से गलती से सॉकेट में हाथ लग गया, तो फिर क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? करंट लगेगा सर। करंट ही लगेगा, अब नंगे पैर हाथ लगाएगा, गीले हाथों पैरों से तो करंट ही लगना है ना बेटा, क्लास में थोड़ा सा। तो करंट लगने के बाद क्या करेगा, सच बताइयो? फिर से हाथ लगाएगा। अबे क्या होगा तुझे?
फिर से पूछना। मैं कह रही हूँ कि करंट लगने के बाद क्या करेगा? अबे गिर जाऊंगा वहीं पे। अरे इतना खतरनाक करंट नहीं लगाएगा, पिक्चर थोड़ी चल रही है। क्या हो गया तुझे? बेटा अगर हल्का सा भी करंट लगेगा हम हल्का मानेंगे तुझे, तुझे नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे। है देखो, हल्का सा करंट लगेगा तो उसके बाद घर पे इन्फॉर्म करेगा मम्मी पापा को, करंट आ रहा है यस मैम। इन्फॉर्म करेगा। घर में छोटा भाई है तो उसके लिए क्या करेगा? उसको इस सॉकेट से दूर रखेगा या फिर अपना आराम से चिल करेगा? दूर रखूंगा। दूर रखेगा ना, प्रोटेक्ट करेगा, छोटा है वो तुझसे, राइट। अब अगली बार जैसे अगले 6 करोड़ों सालों बाद तू किसी दिन नहाने जाएगा है, तो फिर उसके बाद कभी नंगे पैर सॉकेट को हाथ लगाएगा? नो मैम। नहीं। क्यों करंट लग गया करंट बाहर। लग जाएगा तो तेरे दिमाग में मेमोरी बन गई थी ना लॉन्ग टर्म, है ना? यस सेम मैम। चीज होती है हमारे बी सेल्स के साथ भी। वैसे मजे के लिए ये बता दे मुझे कि मेमोरी कौन से रीजन में पड़ती है ब्रेन में? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हे रब्बा, मैं चैप्टर नहीं आता बिल्कुल बिल्कुल भी भी। याद नहीं है। अरे ज्यादा रखती, बिल्कुल याद नहीं है। मतलब तो टॉपिक से जरा ओवर लेके नहीं जाती, पर सोचना आज ठीक है। इसके बाद आज देखियो ब्रेन के सेंटर में तुझे एक बढ़िया सा ऐसे हेडफोन जैसा सिस्टम दिखेगा, बड़ा मजा आएगा तुझे देख के। ये करता है तेरे सोने पे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग में चेंज करता है, ठीक है? तो तूने किया क्या बेसिकली? एक तो तूने मेमोरी बना ली ताकि दोबारा इसको छूना नहीं है, ठीक है? और दूसरा तूने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके अपने भाई को प्रोटेक्ट कर लिया ना, किसी और को करंट ना लगे, राइट? तो बी सेल भी ऐसे करते हैं, वो कौन से अलग है? तुम्हारी बॉडी तो सेल है, तो बी सेल क्या करेगा? मस्त चिलो के बैठा है। अभी चिलो के एंटीजन का वेट कहाँ करता है? बोन मैरो में करता है, थायमस में करता है, या फिर लिम्फ नोड्स में करता है? बेटा अगर आपको थोड़ा सा भी कार्डियक सिस्टम, रिपीट करना क्वेश्चन। बी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कहाँ करता है? बोन मैरो में, थायमस में, या फिर लिम्फ नोड्स में? लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड में। अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो याद करना, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाते हुए बताया था कि आपके जो प्राइवेट पार्ट वाले रीजन होते हैं, जहाँ पे थोड़ी वॉर्म्स होती है, वहाँ पे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, गोलू गोलू से होते हैं, उनके अंदर आपके इम्यून सेल्स बैठ के वेट करते हैं। तो कभी भी ना आपका इम्यून सेल बोन मैरो में नहीं मिलता एंटीजन सेल, ना वो इन इन जगहों पे मिलता है, ठीक है? तो बी सेल मस्त चिल कर रहा था, जैसे हमारा हर्ष मस्त चिल कर रहा था, फिर उसको करंट लगा। तो बी सेल के लिए करंट का काम कौन कर रहा है? एंटीजन। जैसे वो एंटीजन से मिला, बी सेल चेंज हो गया दो में। जैसे हर्ष एक्टिव हो गया था, वैसे बी सेल खुद दो सेल्स में डिवाइड हो गया। तो अगर वो सेल की डिवीजन है और ये जर्म सेल नहीं है, नॉर्मल सेल है, तो कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस, मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस। तो माइटोसिस होगी और दो सेल में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया मेमोरी का सेल, तो मैं बोल दूंगी बी मेमोरी सेल्स, जिसको याद रहेगा कि यार ये एंटीजन आया था। कैसे याद रहेगा? फोटो रखता है वो, मान लो रेड कलर का एंटीजन है, तो इसका छोटा सा पार्ट ना वो अपने अंदर रख लेता है हमेशा के लिए, फोटो की तरह, कि इसको पहचान लूंगा अगली बार आया तो, इसको ज्यादा मारेंगे। और दूसरा होता है हमारा द अदर सेल इज नोन एज प्लाज्मा सेल्स, बी प्लाज्मा सेल, या सीधा प्लाज्मा सेल बोल दो। प्लाज्मा सेल्स आर द सेल जो सिक्रीट करते हैं आपकी एंटीबॉडीज। तो अगर कोई पूछ ले कि एंटीबॉडी इज सिक्रीटेड बाय विच सेल, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कौन रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए? ह्यूमरल। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? वो आपसे डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, इतना तो उसको भी पता है ना कि तुम्हें आता है, लेकिन तुमसे बैक ट्रैक करना है। ये बात समझ आई? कैसे करोगे? ठीक यो मैम। है, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं हम लोग एंटीबॉडी की, ये क्या चीज है, आपको कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो मेरे को बताओ, एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, लिपिड होती है? मैम प्रोटीन। 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 प्रोटीन कौन से पेज नंबर पे डायग्राम? तो बताओ, ये ना एनसीईआरटी के पढ़ा हमने, 151। 151 है ना, प्रोटीन होती है। अगर ये प्रोटीन है तो बेटा तूने ये पढ़ा है कि प्रोटीन छोटे 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 छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनती है, सही बात? हमने पढ़ा है कि अमीनो एसिड का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे हमेशा नाइट्रोजन मिलेगा और राइट साइड पे आपको हमेशा कार्बन मिलेगा, पढ़ा? बायो मॉलिक्यूल्स में ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना है बहुत बड़ा सा, ठीक है? तो मेरे को देख के बताओ, अगर अमीनो एसिड की चेन है, क्या एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कहीं पे एन और कहीं पे सी लिखा है? यस मैम। लिखा है ना,
तो ये है एंटीबॉडी की बड़ी चेन, ये वाली है उसकी छोटी वाली चेन। तो मेरे को बता ए साइड पे एन लिखा है या बी साइड पे एन लिखा है? ए साइड पे। हाँ ये एन है और यहाँ पे कार्बन लिखा है, ठीक है। तो एंटीबॉडी के पास कितनी चेन है? एक बर्न, ये वन चेन हो गई, तो ये दूसरी चेन है मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, ये तीसरी चेन है मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, चौथी चेन है यहाँ भी लिख सकती हूँ। तो कितनी चेन होगी टोटल? फोर। फोर चेन होगी प्रोटीन की, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये इसका? वैसे इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लेटेड शीट, पर आपके सिलेबस में से पूछेंगे नहीं तो मैं लिखवा नहीं। अब अगर ये फोर स्ट्रक्चर है तो ये जो एक चेन है बीच वाली, ये ए वाली, ये चेन कितनी कॉन्टिन्यूस है ना, बड़ी है, तो ये कैसा लगता है वेट में, कैसे होगी, हैवी या लाइट? हैवी। तो कितनी हैवी चेन है? टू। टू। और कितनी लाइट चेन है? टू। H2L2। ये होता है हमारा एंटीबॉडी का फॉर्मूला। एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनो ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन वर्ड देखते ही समझ आना चाहिए था कि ये प्रोटीन का ही चेन है, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ना। तो दिस इज एन H2L2 फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे को बताओ कि ये दो चेने अगर यार मैं दो पेन साथ में रख दूं तो क्या वो हमेशा साथ में रहते हैं? अगर मैं उसको हवा में रखूं तो गिर नहीं जाएंगे नीचे? तो yes, ये दोनों चेन इनके बीच में क्या होता है? डाई सल्फाइड बॉन्ड। देखो ऐसे दो सल्फर बने डायग्राम में। यस मैम। अब जरा ध्यान से देखना, क्या डायग्राम में ऐसा कुछ बना है? यो मैम। इस ये क्या दिखा रहा है आपको? इसकी बॉन्डिंग दिखा रहा है आपको? देखो एस एस रिप्रेजेंट्स, ध्यान से सुनना, ये ध्यान नहीं जाता किसी का, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सही बात है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मेनली इसके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपा ने पढ़ा था अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं थ्रू विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है अमीनो एसिड अपने आप में ही बॉन्डिंग करिए एक दूसरे से, गुचड़ू मुचड़ू करिए, है ना। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो और बॉन्ड ऐड होते हैं। तो एंटीबॉडी के केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड होता है जो किस किस को जोड़ता है? देखो ध्यान से देखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ता है लाइट चेन को हैवी चेन से, यहाँ पे जोड़ रहा है ना लाइट चेन को हैवी चेन से, इस जगह पे जोड़ रहा है। यस मैम। वो लाइट चेन के कंपोनेंट को लाइट चेन के कंपोनेंट से भी जोड़ता है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। वो हैवी चेन को हैवी चेन से भी जोड़ के रखता है। देखो ये बहुत बड़ी चेन है ना, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाले बॉन्डिंग भी चाहिए, समझ आई? और ऐसे भी एक दूसरे को जोड़ के रखता है। तो देखो अब अपनी एनसीईआरटी में सारे डायग्राम आपको दिख रहे हैं वहां पे इस तरीके से बने हुए, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड सारी चेन्स को आपस में जोड़ता है और हर एक चेन को स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब हम करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इम्यूनिटी हमने दो डिवीजन करी, एक होती इनेट, एक होता है एक्वायर्ड। इनेट को हमने, अगर आपको याद है तो क्लास में कौन से निमोनिक से याद किया था? प्रियंका चोपड़ा। पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल बैरियर, अगला पी फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सी था हमारा साइटोकाइनिन बैरियर, और लास्ट है सेलुलर बैरियर। आगे पीछे कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है, बस पी स्क्वायर सी स्क्वायर से हमने याद करा था प्रियंका चोपड़ा ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने करी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम जीवन भर गेन करते हैं, हमारे पास बचपन से नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है जो बचपन से हमारे पास हो भैया, ये हमने अपने पैसों से, खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके पास जीवन भर आती रहती है। ब्रेन जो इसके लिए रोल प्ले करते हैं, दोज आर बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो बी सेल वाली इम्यूनिटी का दूसरा नाम होता है सेलुलर या फिर सेल मेडिएटेड, सॉरी सेल मेडिएटेड या फिर ह्यूमरल, ह्यूमरल। और टी सेल वाली सेल मेडिएटेड। ऑर्गन सिस्टम को रिजेक्ट करने के लिए, अगर किसी ने ऑर्गन डोनेट कर दिया, कौन सा है जो ऑर्गन रिजेक्शन में काम करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड, हाँ, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। बी सेल की बात करते हैं कि जैसे ही बावला किसी भी एंटीजन से मिलता है दो सेल में डिवाइड होता है, कौन कौन से? प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल। हाँ, प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या सिक्रीट कर देते हैं? एंटीबॉडी। तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं, करेक्ट।
एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने पूरा का पूरा कर लिया, अब करते हैं द टाइप ऑफ एंटीबॉडी वी गेट इन अवर बॉडी। ठीक है, इतना सा ही है, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, इतना ही है, कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं इसमें। देखो, जब तुमको चोट लगती है, हमने जैसे याद किया था उसी को वैसे रिकॉल करो, तभी उसको रिविजन कहते हैं। अगर हर बार नए तरीके से रिकॉल करोगे तो भाई करते रह जाओगे, इसलिए कहते हैं कि इसे एक टीचर से पढ़ो और बार बार उसी को रिकॉल करो। अगर तीन टीचर से पढ़ोगे ना तो निमोनिक में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कमबख्त याद कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाला पार्ट पढ़ लिया होगा मुझसे कि अगर इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत टाइप की है तो अगर तुमको चोट लगती है तो सबसे पहले घर में कितने मर्जी लोग हो लेकिन भाग के कौन आएगा सबसे पहले आपके लिए? मम्मी है ना। तो अराइव फर्स्ट एट साइट ऑफ इंफेक्शन, दैट वुड बी मम्मी। तो एम से हमें मिल गया एंटीबॉडी एम माई। और मम्मी आएगी तो हल्ला मचाते हुए आएगी, बिल्कुल शांति से आएंगी, हल्ला मचाते हुए आएंगी, है ना। पहले तुम बचोगे, पहले तुम्हें प्यार होगा, फिर तुम पिटोगे भी कि तुमने ऐसा किया क्यों, फिर रात को फिर से तुम्हें प्यार मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। उल्टा होता है, उल्टा होता है, मतलब पहले प्यार मिलता था वो? नो मैम, पहले पिटता है तू? यस मैम। फिर बाद में प्यार मिलता है? यस हाँ, प्यार मिलता है ना, ठीक है ना। बट यार ये तो ना सबके घर का है, ये तो अभी भी मैं कुछ कर दूं मेरी माता मेरे पे चिढ़ जाती है, फिर प्यार रात को फिर अच्छे से बालों में मसाज मिल जाती है। तुम्हें भी अभी मिलती होगी अगर बालों वालों पर मसाज? यस मैम, वो स्टैंडर्ड होता है मम्मी का, वो ऐसे ही प्यार करती है, फिर वो पूरी रात कर सकते हैं ऐसे, है ना। फिर उनको ऐसे अफसोस होता है मैंने इसको ज्यादा डांट दिया। तुम तो खैर पिटते भी होंगे, मेरा पिटने का फेस चला गया, पर कोई बात नहीं, अच्छे से पिटो, मेरे हिस्से का भी तुम पिटो। तो मम्मी हल्ला मचाते हुए, तूफान मचाते हुए, तो दे आर द लार्जेस्ट, जब वो आएंगी ना वो ही सबसे ज्यादा खूंखार लगेंगी, है ना, सबसे बड़े से लगेंगे, लार्जेस्ट रखना। तो कौन सी एंटीबॉडी लार्जेस्ट होती है इन टर्म ऑफ साइज, इन साइज? तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा हल्ला मचा के मम्मी आ रही तो लार्जेस्ट है वो, नंबर में ज्यादा नहीं है। एक माँ बहुत होती है तूफान मचाने के लिए, है ना, एक माँ बहुत होती है सब ठीक करने के लिए भी, है। तो फर्स्ट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो आएंगी दैट वुड बी IgM, और वो लार्जेस्ट होंगी साइज में। अब बात करते हैं हम लोग, अगर महाभारत की स्टोरी याद है आपको, तो वो कौन थे जो अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे थे व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद अभिमन्यु? अर्जुन। अर्जुन, तो अभिमन्यु अपनी मदर के कोख में थे और अर्जुन कहानी सुना रहे थे उनको चक्रव्यूह की, ठीक है। एक तरह से युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में रणनीति उनको समझा रहे थे कि अर्जुन नाम की भी एक सॉरी चक्रव्यूह नाम का एक तरीका होता है जिससे आप बैटल फील्ड से रिलेटेड था, मान लो किसी को महाभारत नहीं पता, तो मैं ऐसे समझू, तो अर्जुन अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे थे और वो प्रेग्नेंट थी। तो जब तक वो उठी रही अभिमन्यु को कहानी सुनती रही, फिर जब वो सो गई तो अभिमन्यु ने आगे की कहानी सुनी ली। तो इससे हमने क्या लिया कि जो बच्चा होता है, जो भी माँ सुनती है बच्चे तक पहुंचता है, राइट। सो मदर से बच्चे तक क्या जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में एक एंटीबॉडी है। सो द एंटीबॉडी विच गोज फ्रॉम मदर टू फीटस, बच्चा कोख में था अभी प्रेग्नेंट है, तो फीटल स्टेज में मदर से अगर कुछ भी जाता है तो प्लेसेंटा से होकर जाता है। तो प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी है जो ट्रेवल कर जाती है? वो एंटीबॉडी है। देखो जब स्टोरी में कहानी जा रही थी ना, तो जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज देने वाले को हम क्या बोलते हैं? गुरु। टीचर बोलते हैं ना, टीचर को हिंदी में गुरु बोलते हैं। तो मदर से बच्चे के पास फीटल स्टेज में क्या चली गई? नॉलेज। तो नॉलेज के लिए हम याद रखेंगे गुरु, दैट वुड बी IgG, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है जो कहां से कहां गया, महाभारत की स्टोरी से याद रखेंगे कि मम से किसको गया? फीटस थ्रू प्लेसेंटा। आपसे पूछेंगे क्या प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है? ये क्रॉस कर सकता है, एड्स का वायरस भी क्रॉस कर सकता है, इसलिए अगर किसी को एड्स हो रखा होता है ना तो उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती है, जैसे मदर को एड्स हो रखा है, ठीक है, पता चल गया, तो अगर वो प्रेग्नेंट है ना तो उनको मेडिसिन दी जाती है ताकि एड्स का वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चा एड्स पॉजिटिव मदर या फादर का, एड्स पॉजिटिव बच्चा एड्स पॉजिटिव ना हो अगर टाइमली पता चल जाए तो, ठीक है। तो मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा जो एंटीबॉडी जाती है दैट इज IgG। अब आपकी लाइफ में भी तो सबसे ज्यादा रोल गुरु ही प्ले करते हैं ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इसके बाद अगर आप जॉब में जाओगे तब भी कोई ना कोई आपका सीनियर आपको गाइड कर रहा होगा, जैसे लाइफ में कुछ समझ नहीं आता तो पेरेंट्स गाइड करते हैं, तो वो भी तो टीचर होते हैं ना। तो लाइफ में सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करते हैं ना आपकी जिंदगी में, इफ यू डोंट रियलाइज यू विल रियलाइज सून, कि वो टीचर्स ही करते हैं। तो टीचर्स स्टैंड्स फॉर IgG गुरु।
तो आपकी बॉडी में भी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है? तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? आईजीजी है ना, मोस्ट अबंडेंट है, लगभग 75%, हमेशा याद रखना परसेंटेज को लगभग लिखना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आईजीजी आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब जब मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है तो मिल्क से एक एंटीबॉडी जाती है, उसका नाम आईजीए। जैसे बच्चा रोता है ना आ करके, तो उसको दूध पिलाया जाता है, तो मिल्क से जाती है बच्चे को, अब बच्चे के पैदा होने के बाद जा रही है, राइट? तो याद रखना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था आईजीजी था, जब वो पैदा हो गया तो आईजीए है। तो जो आईजीए होता है वो मिल्क में घुल के जाता है ना, तो कोई भी चीज अगर घुल जाती है, डिजोल्व होती है, तो आप उसको बोलते हैं सोल्यूबल। तो ओनली सोल्यूबल एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में है, दैट इज आईजीए, क्लियर? यो यो मैम। अच्छा, अब एक वर्ड होता है एलर्जी, वो कौन से साउंड में एंड होता है? एलर्जी, क्या साउंड आ रही है, कौन से अल्फाबेट की? ई। तो आईजीई इज द वन जो होती है रिलीज एट द टाइम ऑफ एलर्जी। मान लो किसी को हनी से एलर्जी है, तो अगर उसने हनी कंज्यूम कर लिया ना, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा आईजीई रिलीज होगी। लेकिन अब मुझे ये बताओ, मैंने ऊपर लिखाया था फर्स्ट अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो तो आईजीएम थी, तो बॉडी में क्या बनेगी, आईजीई या आईजीएम? आईजीएम। यस, सबसे पहले बनेगी आईजीएम, लेकिन जब पता चल जाता है ना बॉडी को दिस इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, फिर बहुत सारी आईजीई बनाता है, लेकिन सबसे पहले आईजीएम बनती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है ना, तो वो प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट? अगर तुमको कोई भी चोट लग गया, तुम कितने मर्जी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले तो मम्मी आती है ना, है ना? चाहे वो वून के ऊपर हाथ रख तो ब्लड रोक ले, आती मम्मी हमेशा सबसे पहले है, चाहे और कुछ तुम बाद में जो मर्जी ट्रीटमेंट में जाओ, पहले माँ आती है। तो आईजीएम ही है, सबसे पहले आएगी। तो क्वेश्चन देख लेना, वो पूछ क्या रहा है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? अगर एलर्जी वर्ड है तो आईजीई वुड बी द आंसर, अगर एलर्जी है क्वेश्चन में तो आईजीई आंसर होगा, अगर ऐसे ही पूछ रहा है पहले कौन आ रहा है, तो आईजीएम होगा, ठीक है? क्लियर? यो यो मैम। यस, लेट्स, आई विल गिव यू 3 मिनट्स, फटाफट से रिवाइज करो जो पढ़ा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? यो यो मैम। यस मैम, फटाफट से रिवाइज करो, स्टार्ट, बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं, इसको यहीं खत्म करके कर जाएंगे। बेटा लास्ट 30 सेकेंड्स।
चल बेटा बताओ, दो तो तीन बच्चे हाथ उठाओ ताकि मैं उनसे पूछ, फटाफट करते हैं। कौन मदद करेगा? प्रीति और प्रीति, हर्ष, राजकुमारी। ठीक है, प्रीति, इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू, इम्यून सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, कौन कौन सा? मैम एक इनेट और एक एक्वायर्ड। एक हमारा इनेट हो गया, एक हमारा एक्वायर्ड हो गया। ठीक है बेटा, एक्वायर्ड कौन से दो कंपोनेंट से मिलके बना है? प्रीति, मैम एक बी सेल्स और एक टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स से। जो बी सेल इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका दूसरा नाम? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में ह्यूमरल स्टैंड्स फॉर, ह्यूमरल का मतलब मैम ब्लड। ब्लड। यस, क्यों मैं यूज करती हूँ ये टर्म इसमें? मैम क्या पूछा? क्यों मैं ह्यूमरल बोलती हूँ इसको? क्या रिलेशनशिप है इसका ब्लड? मैम क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज है इसमें फ्लूड की तरह काम करती हैं। एंटीबॉडी होती है जो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, अब बी सेल्स जब भी एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं प्रीति, तो कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब, गुड। आते जी कर ले बेटा। राजकुमारी, यस मैम। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारे, वो क्या रिलीज करते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? H2L2। H2L2 को स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन सा मेन बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंटीजन कहाँ जाके बाइंड करता है एंटीबॉडी के ऊपर? नाइट्रोजन साइट। नाइट्रोजन साइट पे, इधर आ जाते हैं, यहीं पे कराती हूँ देखो सारे। तो एंटीजन कहाँ आके बाइंड करता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ है? एन साइट, लेफ्ट साइड होगा ये आपके प्रोटीन चेन का। ठीक है, तो अगर मैं, आप ऐसे देखना इसे, कि अगर मैं एक ट्यूब के अंदर आपका एंटीबॉडी को डाल दूं, देखो सारे ध्यान से, और इस ट्यूब को मैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दूं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन समझते हो क्या करती है? वेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर देती है सब्सटेंस। हाँ, कैसे करती है? वो जोर से घूमती है और चीजें टूट के अपने वेट के अकॉर्डिंग सेटल हो जाती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है ना वो आपको अलग दिखेगा, और जो नीचे वाला फ्रेगमेंट है ना वो आपको अलग दिखेगा। जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है ये वाला, ये सारा, ठीक है, ये दोनों साइड, ये वाला फ्रेगमेंट वो है जहां पर एंटीजन ने आके बाइंड करना है ना। तो इस फ्रेगमेंट को मैं क्या बोलती हूँ? फ्रेगमेंट है ना, एक पार्ट है प्रोटीन का। जैसे मैं बोलूंगी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, ये तो बहुत लंबा नाम है ना, इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगी मैं? एफ, पैरों में लिखूंगी ANB। समझ आया? सो अगर आपसे नीट पूछेगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा एंटीजन का बाइंड होता है, उसको पता है, इतना पता है बच्चों को। पूछेगा बताओ कहाँ बाइंड हुआ? FAB में, FAC में, कौन से साइड पे बाइंड हो रहा है? तो FAB रीजन में बाइंड होता है। और FAB रीजन में कौन कौन सी चेन है? हैवी चेन, लाइट चेन, दोनों है या फिर कोई एक है? हम दोनों है। बहुत हैवी एंड लाइट चेन प्रेजेंट। समझ आया क्वेश्चन? यो यो मैम। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ना जहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं होता, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, तो इसको मैं बोलती हूँ फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं लिख दूंगी FC। सी स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन। पूछ लेगा आपसे फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या है? हैवी चेन, लाइट चेन, दोनों है, कौन है बताओ देख के? हैवी चेन ही है सिर्फ। हाँ, ओनली हैवी चेन प्रेजेंट। डाइसल्फाइड बॉन्ड है? यो यो मैम। तो नीट वाले आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कि आपने रट्टा नहीं मारा, आपने जब किसी चीज को देखा तो उसके बारे में सोचा है, तुमने सोचा ना, दैट मींस तुम्हारी होगी तैयारी। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? जब स्टार्टिंग में देखा था डायग्राम तो इस पे ध्यान नहीं गया होगा ना, पढ़ाई के सब इस पे चला गया होगा। चलो वापस आओ। यो यो मैम। डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, हैवी चेन, लाइट चेन है, ओके। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे मतलब FAB फ्रेगमेंट पे एंटीजन बाइंड करता है। अच्छा, जब एंटीजन बाइंड करता है इस साइट पे,
इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं स्पेसिफिकली, ये जो डिजाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको हम बुलाते हैं पैराटॉप। आपको ना अगर एनसीईआरटी से बाहर जाएगा ना तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पैराटॉप इज अ रीजन जहां पर एंटीजन आके बाइंड करता है। तो ये पैराटॉप किस पे होगा, एंटीजन के ऊपर होगा या एंटीबॉडी के ऊपर बना हुआ है? एंटीबॉडी। हाँ तो लिखो पैराटॉप इज अ रीजन वेयर एंटीजन बाइंड। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो अगली टर्म बता रही हूँ ना उस पे क्वेश्चन आया, तो मैं कंपैरेटिव बता रही हूँ। अब मेरा जो एंटीजन आया ना, वो उसके पास एक जगह होती है यहाँ पे बाइंड करने के लिए, ठीक है? तो ये जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बने हैं जिसकी वजह से वो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बुलाते हैं? एपिटोप। एपिटोप, शाबाश। सो एपिटोप इज अ रीजन विच इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन। एंटीजन बेटा ऐसे ही बना ले डायग्राम एनसीईआरटी के ऊपर ही, बस ये तो टर्म पूछ लेंगे, इधर से लोकेशन पूछ लेंगे। तो पैर तो अपने होते हैं ना, तो एंटीजन का पैरा टॉपिक से पैर याद रख लेना, उसका अपना रीजन है, एपिटोप बाहर वाला रीजन है। क्लियर? यस मैम। जो एंटीबॉडी थी हमारी वो कौन सी है जो मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में, जो हमारी जिंदगी में भी सबसे ज्यादा अबंडेंट रहते हैं वही हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, कौन से है? आईजीजी। आईजीजी सबसे ज्यादा परसेंटेज है। वो कौन से है जो सॉल्युबल एंटीबॉडी है? IgA। अब बेटा ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन खोलो, राइट हैंड साइड पे नीचे एक पैराग्राफ दिया होगा, ढूंढ के बताना मेरे को कहां पर ये लिखा है कि कोलेस्ट्रम के अंदर IgA होता है, कोलेस्ट्रम वाली लाइन में होगा, लिख के बताओ पेज नंबर। मैम 54। नई वाली बुक में मिला किसी को? बेटा बाकियों को 54 मिला? वहां पे अंडरलाइन कर लो आईजी है। ओके चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तुमको पता ही है क्वेश्चंस को कैसे करना है, आई विल गिव यू द टाइमिंग और आपको उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये कर लिया क्या आपने? नो मैम। ठीक है, यू हैव 30 seconds, लेट्स सॉल्व दिस। ओके 30 seconds हुए नहीं एक्चुअली। डन। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय, आंसर इज सी, लिम्फोसाइट्स। बेटा ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ठीक है, तो याद रखना लिम्फ ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी सेल्स। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स इसके एग्जांपल होते हैं, बेसोफिल न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज ही होते हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं लेकिन अलग कैटेगरी होते हैं, ठीक है? तो लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में गड़बड़ हो सकती है, याद रखना लिम्फ लिम्फ के अंदर ये ट्रेवल करते हैं, तो लिम्फोसाइट दैट इज बी सेल एंड टी सेल लिम्फ के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट दिस वन, अरे आंसर निकल गया किसी ने, क्या दिस वन? हाँ जी आंसर, टी। एंटीजन आर प्रेजेंट, देखो जो एंटीजन होते हैं नुकसान पहुंचाने वाले, इसके अलावा एंटीजन एनीथिंग जो आपके सरफेस पे होता है, जो रिसेप्टर्स को भी एंटीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आरबीसी याद है,
आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए लगाए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बेटा जो एंटीजन लगा होता है ना वही ब्लड ग्रुप होता है, आंसर वुड बी ए. ठीक है, जो एंटीजन लगा वही होता है. तो एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, आंसर वुड बी डी. बहुत पुराना नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए. ये वाला ट्राई करो, ध्यान से पढ़ना इसे. थर्टी सेकेंड्स. बोला था तो IgA. अगर प्लेसेंटा से बच्चे को जा रहा होता तो IgG. लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी लिखा होता तो लार्जेस्ट परसेंटेज किसका होता है ह्यूमन बॉडी में? IgM. बेटा लार्जेस्ट परसेंटेज अमाउंट में पूछ रहा है वो आपसे, लगभग 75% IgM. IgG होता है. आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करता है? IgG करता है. अलग अलग टाइम पे गुरु मिलेंगे आपको, ठीक है. लार्जेस्ट इन साइज बोला होता तो कौन सा होता? IgM. तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना था इसमें, ठीक है. आंसर इज ए, पर ये बहुत आराम से गलत हो सकता था क्योंकि जी भी ऑप्शन में था और एम भी ऑप्शन में था. क्लियर? ट्राई दिस वन, आंसर पढ़ना. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सबसे पहले से अंडरलाइन किया हमने, इसके ऊपर टिक लगा दिया. एक से ज्यादा सही हो सकता है. एंटीबॉडी आर द पार्ट ऑफ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. सही है ये बात? यो यो मैम. बेटा एंटीबॉडी इनेट का कहाँ होता है पार्ट? मैम एक्वायर्ड को होता है. यस मैम. हाँ है ना, एक्वायर्ड का होता है, इनेट का थोड़ी पार्ट होता है. जो मदर से हमें मिलती है दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, वो उसकी बॉडी में नहीं बनी ना, हम इसलिए उसको इनेट का पार्ट नहीं बोलते, एक्वायर्ड का बोलते हैं. ठीक है. T cell do not proliferate into memory cell, ऐसा होता है? यो यो मैम. मान लो कि तुमको नहीं पता तो हम ऐसे रख लेते हैं. ये कह रहे हैं कि T cell जब antigen से मिलता है ना वो कभी भी memory नहीं बनाता, पर actually वो memory बनाता है. चलो मान लो ये नहीं पता, मैं इसको छोड़ती हूँ, आगे चलती हूँ. एंटीबॉडी इज अ चेन ऑफ प्रोटीन हैव वन एन एंड वन सी ओ एच एंड, ये सही है? नो मैम. जो एंटीबॉडी होती है वो चेन होती है प्रोटीन की. बोलो भाई, शांति नहीं चाहिए यार. यस मैम. हाँ तो चेन होती है ना प्रोटीन की. तो एंटीबॉडी इज अ चेन ऑफ प्रोटीन जिसके पास एक तरफ एन टर्मिनल था और एक तरफ सी टर्मिनल नहीं था. यस मैम. ये तो सही हुई ना. इन बी सेल, बी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजियंसिस. नो मैम. नो है ना, तो बेटा ए क्यों लिखा था तुमने? एंटीबॉडी जो होती है वो सिर्फ इनेट इम्यून सिस्टम का, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनेट नहीं. याद करो, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर, हम कभी भी एंटीबॉडी नहीं करते उसमें. एंटीबॉडी हमारी बॉडी बचपन से बनाना नहीं सीखती, बना बनाया दे रही हूँ ना, तो फिर मेरे इम्यून सिस्टम का पार्ट थोड़ी है. समझ आई? Yes. किस कोई बच्चा अगर मदर के
मिल्क पे फीड नहीं करा तो उसको तो नहीं मिली ना एंटीबॉडी, राइट। तो इनेट एक्वायर्ड का मतलब है जो मैंने लाइफ में किया, तो ए गलत है, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टी सेल पॉलीफरेट मतलब टूटते हैं मेमोरी सेल्स में, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी, आपको करेक्ट ढूंढना था, आंसर इज सी। ओके अभी समझ आया? यस मैम। आई थिंक मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, नहीं मेरे को मजा नहीं आया। मेरे को पहले ये बताओ प्रीति हर्ष बेटा ए क्यों किया था, ए क्यों दिया था आंसर? अरे क्या सोच रहा था ये बता दे, डांट थोड़ी रही हूं मैं तुझे। आंसर ए क्यों दिया था चल बता।